हमारे यहाँ अगर एक हिंदू लड़का या मुसलमान लड़का एक दूसरे फेथ से ही लड़की से शादी कर ले, तो आपके पास चार ऑप्शन है। सही है, उसे सड़क सड़क पे घसीट के मारेंगे, सही है, उसे घर जला देंगे उसका, ठीक है, उसके घर वालों से उसको लातअल्लुक ही करवा देंगे, या चौथा आप खुद ही बता दीजिए। तो सोशल बेसिकली मैटर। हमारा जो सोसाइटी है ना, वो एक मुनाफिक सोसाइटी है, हाँ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मफाद पेश नज़र होता है, बिल्कुल। अदरवाइज फिर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूँ सोहेब अलवी, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज हुसैन साहब। एजाज हुसैन बहुत वोकल आदमी है, फेसबुक स्टेटस इनके जो देख लेता है वो फिर या इनको अनफ्रेंड करता है या लाइक करता है। तो आइए इनसे आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल हॉट चल रहा है। ये बताइए कि यार अभी हम बना रहे थे सोनाक्षी सिन्हा की शादी पे पैकेज, तो उसमें ये हुआ कि वहाँ तो कोई इतना हंगामा नहीं हुआ इंडिया में। कितनी हुई है इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस अगर आप देखें, मतलब हर बड़ी एक्ट्रेस, हर दूसरी बड़ी एक्ट्रेस जो उसकी शादी हो चुकी है दूसरे फेथ के आदमी दूसरे, से। हाँ बिल्कुल ऐसे भाई ही, सोनाक्षी सिन्हा तो अभी है ना, इनकी शादी हुई उससे जहीर इकबाल नाम के आदमी से। कटरीना कैफ मुसलमान थी, हाँ उनकी भी विक्की कौशल से शादी। फिर सही है, आमिर खान और शाहरुख खान ने, हाँ दोनों ने शादी की है। फिर मरहूमा दिव्या भारती, उनने सज्जाद नटियाडवाले से शादी की शादी कर थी। ली, हाँ सोनाक्षी सिन्हा के अब्बा से काफ़ी करीब रीना रॉय हाँ जो थी, उन्होंने की थी शादी मोहसिन खान से अपने। इसी तरह मधुबाला जो थी हाँ किशोर कुमार से, उन्होंने किशोर कुमार शादी से की, शादी की, मधुबाला मुसलमान थी। ऐसा ही है। तो उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं या क्या होता है, ये सेक्युलर होने की वजह से निकल जाता है गेम, हमारे यहाँ क्यों इतना प्रॉब्लम होता है? भाई ऐसा नहीं है कि ना वहाँ पे भी मसला नहीं होता, अच्छा उधर बर्दाश्त तो है थोड़ी ज़्यादा, सही है। इसी वजह से वहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं मुख्तलिफ मौके पे, कभी कोई किसी से कर लेता है। अक्सर जो चीज़ें सामने आती हैं ना, वो सेलिब्रिटीज़ की वजह से ज़्यादा सामने आ जाती हैं ठीक निकल के, है लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। ख़ास तौर पे अगर कोई लड़का जो है वो मुसलमान हो और वो हिंदू लड़की से शादी कर ले ठीक ना, है तो फिर थोड़ा सा इशू बनता है। इसीलिए वहाँ पर जो ना एक टर्म है जो वो लोग यूज़ करते हैं, लव जिहाद की, मैंने पहली बार कि सुना। हाँ लव जिहाद जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। और जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, या हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर रही है, या मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी कर रही है, तो वो फौरी तौर पर जो है ना वहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं या जो थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं या जो आरएसएस के लोग हैं, वो फौरी तौर पर ना इसको लव जिहाद से कनेक्ट करते हैं कि ये जो है इसको, ये हमारी सोसाइटी को मुसलमान बनाने के लिए जो है ना, ये मुसलमान लोग जो हैं वो इस तरह से शादियों के ज़रिए से इस पूरी चीज़ को फैलाना चाह रहे हैं। तो वो इसको जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मुखालिफत वो भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की सोसाइटी हमारी सोसाइटी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो उधर वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ अगर एक हिंदू लड़का या मुसलमान लड़का एक दूसरे फेथ से ही लड़की से शादी कर ले, तो आपके पास चार ऑप्शन है। सही है, उसे सड़क सड़क पे घसीट के मारेंगे, सही है, ठीक उसे घर जला देंगे उसका, है, उसके घर वालों से उसको लातअल्लुक ही करवा देंगे, या चौथा आप खुद ही बता दीजिए। सोशल बायकॉट होगा, सोशल बायकॉट होगा, उस बंदे को जो है ना बिल्कुल ही सोसाइटी से एक तरह से काट दिया जाता है, हाँ उसके साथ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा जाता, उसके बच्चों की शादियों में मसला होता है, बहुत सारे दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा सोशली जो है ना वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है। लेकिन मुसलमान जो ये तो अहले किताब से शादी कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं पता क्या लोगों को। लोगों को पता है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह की है ना अजीबोगरीब सी, कि जिसमें वो इन सब चीज़ों को लेकिन आप असल में मुनाफिक वाला हमारा सोसाइटी ना मुनाफिक है, मुनाफिक इस सूरत में है कि अब अगर वो लड़की क्रिश्चियन है और वो अमेरिका से आई है और वो लड़के को ना ग्रीन कार्ड दिलवा देगी, तो फिर तो उसको सब हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलें कि जी एक मैं किसी गरीब लड़की से शादी कर रहा हूँ जो कि यहूदी है या क्रिश्चियन है, सपोज हमारे मुल्क में ही भी तो क्रिश्चियन है ना, लेकिन मुसलमान लड़के हमारे मुल्क की क्रिश्चियन लड़कियों से तो शादी नहीं करते, वो अमेरिका और इंग्लैंड से आई भी क्रिश्चियन यो लड़की ये से तो शादी बड़ी कर बात लेते है, हैं। सोच रहे बड़ी सोच।
वो क्योंकि आपने माइग्रेट करना है यहाँ से, हाँ तो इसलिए आप उसको एक टूल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। उसमें फिर आप सब भूल जाते हैं, उसकी उम्र क्या है, उसने उससे पहले उसका पास्ट क्या रहा है, वो वहाँ क्या करती रही है, आपको कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने यहाँ पाकिस्तान में शादी करनी है, फिर आप उसके पुराने मोहल्ले जाके उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, उसकी पूरी मालूमात करते हैं, ज़रा सा किरदार 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 चेक करते हैं कि जी उसने अपनी सिमें तोड़ी हैं कि नहीं तोड़ी हैं। तो ये आपने सारा कुछ जो है ना देख के फिर आप कहते हैं कि हाँ जी अब ये लड़की मेरे काबिल है, मैं अब इससे शादी कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो आपको जो है वो एक आपको पिक कर लेगी और अमेरिका ले जाएगी और यो यूके ले मैन जाएगी, तो फिर आपके लिए सब एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली हमारा जो सोसाइटी है ना, वो एक मुनाफिक सोसाइटी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मफाद पेश नज़र होता है, बिल्कुल। अदरवाइज़ फिर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इंडिया में यानी कि ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा। इंडिया में मैंने मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि वो मुआशरा जहाँ पर के ज़्यादा रिलीजन होते हैं, हाँ जहाँ पर के एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होती है, हाँ उधर ना बर्दाश्त बढ़ जाती है। आप एक ऐसी अच्छा सोसाइटी के अंदर अगर रह रहे हैं जहाँ पे 99% सिर्फ मुसलमान रहते हैं या 99% सिर्फ ईसाई रहते हैं, वो सोसाइटी जो है ना बड़ी कंजर्वेटिव हो जाती है और वो बड़ी डब्बे में बंद हो जाती है। बिल्कुल तो वो आप अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें और इस तरह से दूसरे मुल्क जहाँ पर बहुत सारे महाजरीन आए हुए हैं और वहाँ पर बेतहाशा रिलीजन्स हैं और वहाँ पर बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है, उधर लोगों के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है। वहाँ पर फिर ये सब चीज़ें एक आम बात हो जाती है। एक कोई एक हमारे यहाँ ये एक बिल्कुल एक अछूती कोई एक नई चीज़ निकल के सामने आती है जो लोग कहते हैं अरे यार ये क्या नया काम शुरू हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोगों ने निका नामे में एक शेख डाल दी है, वो मैंने अभी एक वीडियो देखी, उसमें एक बाप जो है वो बच्ची का निका पढ़ा रहा है अपनी और साथ में जो है ना वो एक हलफनामा दोहरा रहा है कि जी मेरा ताल्लुक जो है ना वो अहमदियों से नहीं है और ना ही वो अहमदी बिरादरी से और मैं उनको मुसलमान नहीं समझती है। वो बेटी जो है ना वो दोहरा रही है ये सब कुछ। अब निका में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। यानी आपको आखिर एक दूसरे रिलीजन के बंदे से या दूसरे अकीदे के आदमी से इतनी नफरत करने की क्या ज़रूरत है कि आप उसे अपनी शादी में खींच लाएं। नहीं भाई, यहाँ तो खैर अब हालात और बुरे होंगे और बस तो उस हम हवाले से जो आपने बोला ना कि इंडिया के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन इतने मसले नहीं हैं जितने हमारे हैं। लेकिन वीडियोस तो बढ़िया आती रहती हैं कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, मुसलमानों पे हमला कर दिया, हिंदुओं ने धाबा बोल दिया। भाई मैं तो ये सिर्फ ये पूछता हूँ लोगों से कि इंडिया के अंदर आज तक हिंदू मुस्लिम फसाद में ज़्यादा मुसलमान मारे गए या हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुसलमान के हाथों मुसलमान मस्जिदों में मार्केटों में बम धमाकों में ज़्यादा मारा गया। तो अगर इंडिया में ज़्यादा मुसलमान मरे तो फिर हमारा दो कौमी नज़रिया अच्छा था, लेकिन अगर मुसलमान के हाथों पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा मारा गया तो फिर दो कौमी नज़रिए का क्या फ़ायदा है। अच्छा भाई ज़्यादा बोल रहे हैं आप, मुझे लग रहा है तो हम इसको एक काम करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है और याज भाई जो है ये फेसबुक पे भी ऐसे ही चलते रहते, आज हमने उनको पकड़ लिया है और अब इनने जो कहा वो इनके ऊपर है, मेरा हाँ ताल्लुक नहीं। इसका मैं जिम्मेदार हूँ, हाँ इनका कोई देख ताल्लुक नहीं।